यहाँ के बारे में जितना भी बताया जाए कम है, क्योंकि इतने सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम की बात करते हैं, आइए हम देखते हैं अंदर क्या है। ये लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं ट्रेडिशनल गेम क्या होता था। देखिए ट्रेडिशनल गेम में ये तीर धनुष गुलेल भी आप देख रहे हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल है। ये देखिए मछली पकड़ने का हो गया, बहुत ही अद्भुत कलेक्शन है। तो ये बताइए, ये क्या सरकार की तरफ से है या आपका खुद पर्सनल है? ये एक्चुअली कलेक्शन मेरा पर्सनल है जी। लोकपाल की जो मंच है ना, इसमें मुझे ये मौका दिया गया है इसको दिखाने के लिए। लोकमंथन का जो मंच है, मुझे मौका दिया गया है। मेरे एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। मेरा एक म्यूजियम भी है, आप देख सकते हैं, ओलंपिक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम, ये गुवाहाटी में ही है। तो ये सारा चीज मेरा मतलब है। तो ये आइडिया कैसे आया आपको कि एक्चुअली मेरा, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, मैं न्यूज पेपर में था। जब मैं जर्नलिस्ट था, अभी भी हूँ, मतलब मेरा एक स्पोर्ट्स का वेब पोर्टल चल रहा है अभी, तो मैंने देखा कि इन चीज़ों का कलेक्शन कम है, ये चीज़ के बारे में जानना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने शुरू किया इसमें कलेक्शन का। तो अभी मेरे पास 600 के ऊपर कलेक्शन है, गेम्स का कलेक्शन है, असम के डिफरेंट ट्राइब का और नॉर्थ ईस्ट का भी है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अब खत्म होती जा रही हैं? ट्रेडिशन खत्म तो होती जा रही है, लेकिन काफ़ी स्कोप है इसको रिवाइव करने का। हमको अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो इसका रिवाइव होगा, क्योंकि इसका काफ़ी मतलब सर कुछ कुछ गेम का काफ़ी मतलब ये सोशल साइकोलॉजिकल वैल्यू भी होता है, फिजिकल वैल्यू भी होता है, मेंटल वैल्यू भी होता है। तो इसके फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन के लिए ये चीज़ों का अब देखिए, हाइड एंड सीक कभी हम लोग नहीं खेलते। आप और हम हाइड एंड सीक खेलेंगे तो लोग हंसेगा। उस एज में, पर्टिकुलर एज में हाइड एंड सीक क्यों खेला गया था? ये स्पून एंड एक रेस जो है ना, आप और हम तो नहीं करेंगे ना, तो ये पर्टिकुलर एज में हुआ था। मतलब इन सब चीज़ों का एज वाइज काफ़ी वैल्यू है, इसीलिए एज वाइज अगर हम इस मतलब कुछ कुछ खेल को इम्प्लीमेंट करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, और हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी काफ़ी मतलब इसका आभास मिलेगा, और हम उसको मोबाइल गेम में कन्वर्ट कर सके तो काफ़ी अच्छा है। आपको क्या लगता है ये ट्रेडिशनल गेम और अभी के जो गेम में, दोनों में क्या फ़र्क लगता है कि पहले कौन सा अच्छा था, कौन सा क्या है? एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी ट्रेडिशनल गेम, काफ़ी मॉडर्न गेम ट्रेडिशनल गेम्स के ऊपर बेस करके ही है। अब मान लीजिए आर्चरी हो गया, ये रेसलिंग हो गया, तो इसीलिए मतलब हम जो चीज़ें अभी तक नहीं हुआ है उनमें से चुन के हम लोग इसका मॉडर्न फॉर्म में ला सकते हैं। कुछ बताएंगे जैसे ये क्या है इसके बारे में? ये हो गया आपका बेम्बू और वुडन का एक व्हीकल। अच्छा, वो बच्चे पहाड़ी इलाकों में मतलब बच्चे लोग ऊपर से नीचे आने के लिए, रास्ते से ऊपर नीचे आने के लिए इसका यूज किया करते हैं। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ फोटो में आप दिखा सकते हो? ये है आपका सेक्रेट। अच्छा, ना हाँ, काफी पॉपुलर है। हाँ, हाँ, इंडिया में नहीं, खाली इंडिया में नहीं, असम में नहीं, हर वर्ल्ड के हर जगह में है। ये हम लोग भी खेला करते थे बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया, ये हो गया गाड़ी। हाँ हाँ, बच्चे लोग इसके खेल गाना लेते हैं। अच्छा अच्छा, खेलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये अलग अलग कौन कितना ज्यादा स्पीड में चला सकते हैं? अच्छा, और उसमें वो लगाते थे कंपटीशन होता था। ये हो गया आपका। हाँ, ये तो चावल वाले, लेकिन इसका गेम भी ये है। गेम भी है क्या? मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे फोटोग्राफ्स है। हाँ हाँ, अच्छा, ये गेम में आता है? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, हाँ, इसके पीछे ये जो है ना, हाँ, ये काफी भारी है ना। हाँ, ये उड़ल के पीछे एक 6 फुट का, मतलब ये पॉपुलर है युवा और कार्बी ट्राइब की, मतलब कार्बी कम्युनिटी में एक गेम पॉपुलर है। अब आपको आपके पीछे 6 फीट का बेम्बू का वॉल रहेगा। आपको ये उड़ल को दांत से उठा के उसको पीछे फेंकना है। कौन कितना दूर फेंक सकता है उसके ऊपर ये कंपटीशन होता है। अच्छा, कोई ज्यादा दूर फेंक गया वो जीत गया। अच्छा, उसका हम लोग का शायद ये तो हो गया। और क्या बोलो, और कुछ ऐसे जो, ये क्या है? ये जो आपका ये
प्ले करने के लिए आपका बोरो कम्युनिटी का थुमरी डहाल बोलते हैं उसको। हाँ, ये शील्ड रैली शॉर्ट गेम। अच्छा, ये गेम में आता है? गेम में आता है। अच्छा अच्छा, तो ये वॉर गेम था, अभी ये आपका ये हो गया, मतलब एग्जीबिशन के लिए हो गया। हाँ, ये देखिए आपका ये जो पेन है ना, पेन वापी मॉडल है। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया आपका एक्चुअली। मतलब पहले पुराने जमाने में रास्ता जो हम लोग का गांव का रास्ता काफ़ी ख़राब था, जब बारिश हुआ था होता था तो रास्ता ख़राब हो जाता था ना। लोग अगर लोग अगर ड्रेस अच्छा ड्रेस पहन के बाहर जाना चाहता है तो इसका यूज़ किया था। मतलब यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ओके अच्छा, उससे वो कीचड़ वगैरह पार करते थे। अच्छा अच्छा, अभी ये गेम में आ गया है, लेकिन ये गेम खाली असम में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ये गेम वर्ल्ड के काफी कुछ कुछ देशों में इसका कंपटीशन भी होता है, प्रोफेशनली भी कंपटीशन होता है, थाईलैंड में शायद होता है ऐसा कुछ। ये कहाँ होता है ये? ये आपका हो गया बफेलो जूस, बफेलो फाइट। ये असम में दो जगह में होता है, एक बारापुजिया में होता है और एक आहतपुरी में होता है। हाँ, लेकिन मैंने इसको बैन किया था, लेकिन ये पुराना जमाने का बंदा, मतलब जो पुराना जमाने का खेल है बफेलो फाइट, ये भी होता है यहाँ नाम के लिए, तो काफी पॉपुलर है पर्टिकुलरली इन लोअर असम। हाँ, सिंबल ऑफ असम, असम कल्चर ये जो है ना। हाँ, आप लोअर असम में जो है ना, लोअर असम एरिया लाइक हाजू, पलासबरी, बरपेटा, कोलकोशी, कुकुरमारा, धारापुर, सोमरिया, ये सब जगह में गाँव का अभी भी होता है। हाँ, अभी भी होता है। कब होता है? कब होता है ये? जो मतलब नदी का पूरा, मतलब जो सर्दी का मौसम है ना। हाँ, मतलब ये आपका अक्टूबर नवंबर पहले भी होता है, मतलब कोई ऐसा कुछ ये नहीं, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन बारिश की, जब बारिश ज़्यादा होता है ना तो उस टाइम नहीं होता है। ये हिस्ट्री क्या है बताइए? ये देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने एक तस्वीर लगा रखा है। ये आपका हम लोग का जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन टेरिटरी स्पोर्ट्स का जो हिस्ट्री है ना, उसकी मतलब हम लोग अगर हम जानना चाहें कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स कहाँ से शुरू हुआ था, मान लीजिए रामायण, महाभारत और का ये जो देखिए आर्चरी, ये ग्रीस भी, आप ग्रीस का भी असम का है, ये असम का जो स्पोर्ट्स है ये ग्रीस का है। पहले वहाँ पे हुआ था, मतलब जो एम्पी थिएटर है ना एथेंस, जिसके जो है ना रोम के जो एथेंस आपका, ये है आपका ये जो मंच है, यहाँ पे ये सब खेल कूद हुआ था, डिस्कस्ट हुआ था आपका, रेसलिंग हुआ था, काफ़ी चीज़ें हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम है सिरंजीव शर्मा, सिरंजीव शर्मा। क्या है आप? मैं एक पब्लिशर हुए और एक पब्लिशर प्लस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और मैं अभी इसमें इस काम में लगा हुआ हूँ, सब कुछ मिला के काम कर रहा हूँ। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।